Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is the lecture of HR02 for MBA. So today we will discuss about what is the incentive schemes. So this is the topic which we have to study in our subject HR02, that is performance and reward management. So let's start with our topic, that is what is incentive scheme, individual and group. So what is incentive scheme? Employee motivational program designed to encourage commitment to increasing productivity or achieving some worthwhile objective, such as reducing the number of man hours lost due to accidents. So HR ke hisab se, often marketing ke hisab se de rakha hai. Customer motivational program designed to encourage them to buy more of the firm's product, also called bonus scheme or incentive program. So employee motivation ke liye bhi इंसेंटिव स्कीम्स है, एचआर में भी, मार्केटिंग में भी, हम अपने टारगेट से ज्यादा करें या टारगेट जो दिया उसे अचीव करें तो देन एन एम्प्लॉई विल गेट अ इंसेंटिव. तो इंसेंटिव इज अदर देन योर बेसिक सैलरी. सो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी एम्प्लॉय का वो अगर टाइम उसे कंप्लीट करता है और मोर देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, देन द एम्प्लॉय विल गेट इंसेंटिव. What is individual incentive plan? Reward systems tied to the performance of an individual employees are known as individual incentive plans. Reward systems tied to the performance of individual. हर एक individual employee की performance से जुड़ा हुआ है उसका reward या incentive. तो rewards कब मिलेंगे, उस individual employee की performance क्या है, ये सारी चीजें जब हम जज करते हैं और उसको उसके बेसिस पे हम पे करते हैं, ये रिवॉर्ड्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स. दीज प्लान्स डिपेंड ऑन कैटेगरी ऑफ वर्कर्स फॉर विच दे आर डिजाइन. इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स जो है वो डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का वो वर्कर है या कैटेगरी ऑफ वर्कर किस तरीके के वर्क कैटेगरी में वो वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाएंगी. एंड इट दिस प्लान मोस्टली अ सर्टेन पे रेट इज गारंटीड एंड द रिवॉर्ड्स रिप्रेजेंट एडिशनल कंपनसेशन. इस प्लान के अंदर एक डिफाइंड फिक्स्ड रेट है, गारंटीड रेट है, जो तो हर हाल में पे होगा ही होगा उस एम्प्लॉय को एज एन इंसेंटिव. बट उसके साथ में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उसको उसके साथ में और अदर एडिशनल रिवॉर्ड्स भी दिए जा सकते हैं. Under individual wage incentive plans, three categories of personals can be included. Wage incentive plan में, individual wage incentive plan में total three categories हैं workers की या employees की. They are production workers or blue collar. It is not dollar, it is collar. D की जगह C लगा. They are production workers, blue collar workers, white collar workers such as salesman, managerial personals, etc. थ्री कैटेगरीज क्या है, प्रोडक्शन वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड व्हाइट कॉलर वर्कर्स. तो इंडिविजुअल वेज इंसेंटिव प्लान जो थ्री कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज में डिवाइडेड है, वो थ्री कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, प्रोडक्शन वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड व्हाइट कॉलर वर्कर्स. ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज हैव डिफरेंट नीड्स, दे डिफर इन क्वालिफिकेशन एंड टाइप ऑफ वर्क. तो ये तीनों ही कैटेगरीज के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डिफरेंट नीड्स हैं, उनकी डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, उनका टाइप ऑफ वर्क भी डिफरेंट है एंड देयरफॉर सेपरेट प्लान्स आर डिजाइंड फॉर देम. बेसिकली उनका इंसेंटिव प्लान सेम हो ही नहीं सकता, तो उनकी वर्क क्वालिफिकेशन के हिसाब से सेपरेट प्लान्स डिजाइन किए जाते हैं. इंसेंटिव प्लान फॉर प्रोडक्शन वर्कर्स और ब्लू कॉलर वर्कर्स. हुआ ब्लू कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड मोस्टली ऑल द वर्कर्स हू कम्स अंडर प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन वर्कर्स को ब्लू कॉलर वर्कर्स बोला जाता है. देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ दीज प्लान. सो ब्लू कॉलर वर्कर्स की भी थ्री कैटेगरीज है. यहाँ पर प्लान जो हमें ऑफर किया जाएगा इंसेंटिव प्लान, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. इंसेंटिव इन प्रोपोर्शनल टू एक्स्ट्रा आउटपुट, अगर वो एक्स्ट्रा आउटपुट दे रहे हैं तो उनका इंसेंटिव. दूसरी कैटेगरी इंसेंटिव इज प्रोपोर्शनली एट लोअर रेट देन इंक्रीज इन आउटपुट. अगर इंक्रीज इन आउटपुट ज्यादा है और उसका इंसेंटिव कम है, ये भी एक कैटेगरी है. इंसेंटिव इज हायर प्रोपोर्शनली टू रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट. तो दीज आर द थ्री कैटेगरीज अंडर ब्लू कॉलर वर्कर्स इंसेंटिव प्लान. अंडर दीज प्लान्स वर्कर्स आर रिवॉर्डेड इंडिविजुअली व्हेन देयर परफॉर्मेंस
रिवॉर्ड दिया जाता है जब उनका परफॉर्मेंस आउट ऑफ लिमिट्स होता है या अप्रिशिएटेड होता है. इंडिविजुअल वर्कर्स अर्न बोनस इफ दे वर्क मोर एंड प्रोड्यूस मोर. और अगर वो ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो इस केस में इंडिविजुअल वर्कर्स को बोनस भी दिया जाता है. These plans are therefore known as premium plans. इसीलिए इन plans को premium plans भी बोला जाता है. These plans are either time based or production based. और ये plans या तो time based होंगे या production based होंगे. A standard time is determined for doing a job. एक proper standard time define किया जाता है job के लिए. A standard time serves as the basis of giving bonus to the workers if they meet or exceed the standard. उस standard time से भी ज्यादा वो वर्क करते हैं या प्रोडक्शन देते हैं तो इस केस में एम्प्लॉयज को बोनस दिया जाता है बाय द कंपनी. द वर्कर इज सेड टू बी एफिशिएंट इफ ही कंप्लीट्स हिज जॉब इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम. उस वर्कर को एफिशिएंट वर्कर बोला जाता है जो वर्कर जो स्टैंडर्ड टाइम कंपनी ने डिफाइन किया है उस स्टैंडर्ड टाइम से भी कम टाइम में अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है तो उसको इसमें बोनस दिया जाता है. एंड इसके एडवांटेजेस क्या है इस प्लान के. Incentive based plan have following advantages. Standard output is determined on the basis of time and motion studies by specialists and the rate of wages are fixed for different jobs on basis of job evaluation. So standard output determined hai sabki wages ya incentive plan bhi different hai to ye iska positive point. Then second is increase in output leads to lowering of permanent cost has a direct gain to the employer. Permanent cost low होती है जिससे output में और organization को फायदा मिलता है. Less supervision required होता है workers के ऊपर and workers are more motivated. Then no conflict between employees and employers as the need of both are satisfied. यहाँ पे employer और employee के conflicts भी बहुत कम होते हैं ना के बराबर होते हैं because दोनों को satisfaction level भी ठीक है और दोनों को needs भी पता है और organization के properly वो work हो रहा है. Then disadvantages क्या है इसके. Wage incentive plan के employees give more stress on increasing output. Quality को neglect करके employees के ऊपर ज्यादा stress होता है output increase करने का. This is the disadvantage. Then employee oppose the introduction of advanced and modern techniques of production. Employees हमेशा ही नई techniques को follow करने advanced या modern techniques को के through work करने के लिए राजी हो रहे agree नहीं होते तो वो उस चीज को oppose करते हैं. There is an increase in cost of record keeper की जो cost में increase हो सकता है. Safety precautions are overlooked may therefore lead to accidents. कभी कभी safety precautions को ध्यान में नहीं रखा जाता organization में और उस चीज की वजह से accidents ज्यादा हो सकते हैं at a workplace. Then slow workers become jealous of fast workers. Fast workers को अगर वो time से पहले work कर रहे हैं तो उनको rewards मिल रहे हैं, bonus मिल रहे हैं और जो slow worker है जो time define हो उसमें भी वो proper काम नहीं कर पा रहे तो slow workers हमेशा jealous feel करते हैं fast workers से. This system increases their earning. They may therefore put a demand of increased minimum wages. और organization में employees जल्दी जल्दी demand कर सकते हैं क्योंकि minimum wages जो है वो increase हो तो ये भी कहीं ना कहीं problem organization के लिए हो सकती है. Management faces difficulty in determining the rate of bonus to be paid. क्या rate of bonus होना चाहिए employee को pay करने के लिए management decide करता है और कभी कभी management इस decision लेने में उसको problem आती है या वो ज्यादा delay हो सकता है. Then group incentive scheme. अब हम आएंगे individual incentive scheme हमने पढ़ा उसके advantages disadvantages पढ़े अब हम पढ़ेंगे group incentive scheme. Group incentive scheme क्या है. It is observed that under individual incentive plans, bonus is paid to workers on basis of individual performance. Individual incentive plan में तो bonus individual performance of worker पे ही pay किया जाता है. But in this case where the payment of bonus is not affected by performance of other, but there is a certain situation where it is difficult to measure individual contribution. बहुत जगह ऐसा है हम individual contribution को properly measure नहीं कर सकते. तो इन सारी ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए ग्रुप इंसेंटिव स्कीम बनी गई. हियर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्कर इज दिस एंड द ग्रुप इंसेंटिव प्लान बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन द कलेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट वर्कर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑन सम एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन. अब जैसा नाम है ग्रुप इंसेंटिव प्लान तो यहाँ पर जो बोनस कैलकुलेट किया जाता है वो कलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रुप मेंबर्स किया जाता है और फिर
कैसे हम ग्रुप नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिवाइड किया जाएगा डिवाइड बाय कीपिंग माइंड द एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस एज फार एज पॉसिबल द बोनस फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप और जहां तक होता है यही फाइनली कंपनी करती है कि ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें इक्वली बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कुछ उसके बेसिस या पॉइंट्स ले रखे हैं. ग्रुप बोनस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव सिमिलर स्किल्स. अगर सारे मेंबर्स ऑफ ग्रुप के सिमिलरली हार्ड वर्क कर रहे हैं स्किल्स भी सिमिलर है तो उनको बोनस भी इक्वली डिवाइड करके दिया जाए. इफ द बेस वेज ऑफ मेंबर्स इज डिफरेंट इफ द बेस वेज ऑफ मेंबर्स इज डिफरेंट देन बोनस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन ऑफ द बेसिक रेट. अगर उनका डिफरेंस है स्किल्स में डिफरेंस है तो बोनस भी उनकी स्किल्स के हिसाब से पे किया जाएगा. बोनस में भी पे टू मेंबर्स ऑन अ स्पेसिफाइड परसेंटेज डिपेंडिंग ऑन बेसिस ऑफ स्किल एक्सपीरियंस बेसिक रेट ऑफ पे ऑफ ईच इंडिविजुअल. और ग्रुप इंसेंटिव में ये भी किया जा सकता है जो बोनस है वो हर एक मेंबर की स्किल्स एक्सपीरियंस बेसिक वेज और इंडिविजुअल एम्प्लॉय की सारी चीजें मेजर की जाए फिर हर एक ग्रुप मेंबर को उस हिसाब से बोनस पे किया जाए. फॉलोइंग आर द ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स कुछ ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स दे रखे हैं. प्रीस्ट मैन्स प्लान अंडर दिस द स्टेटिंग पॉइंट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रुप. प्रीस्ट मैन प्लान है इसमें क्या है कि यहाँ पर मेनली ग्रुप की प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया गया है. स्टैंडर्ड आउटपुट इज लेट फॉर द ग्रुप मिनिमम वेज रेट इज अश्योर्ड टू अ ग्रुप. स्टैंडर्ड आउटपुट एक ग्रुप के लिए डिफाइन किया गया है और मिनिमम वेज रेट क्या रहेगा उस ग्रुप को जो कब पे किया जाएगा वो भी यहाँ डिसाइडेड है और मेनली फोकस है प्रोडक्टिविटी पे. द ग्रुप मेंबर्स आर एंटाइटल्ड फॉर अ बोनस इफ देयर आउटपुट एक्सीड्स द सेट स्टैंडर्ड. और जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उससे ज्यादा अगर ग्रुप परफॉर्मेंस देता है तो उस ग्रुप परफॉर्मेंस का क्या किया जाता है उनको एक्स्ट्रा बोनस पे किया जाता है. The payment of bonus is made in proportion to the excess of actual output over the standard output. जो standard output है उसके ऊपर उन्होंने over output कितना करा है उसके ऊपर base bonus होता है. This plan encourages the feeling of team spirit among members of the group. Peace man plan ऐसा plan है जिससे organization में जितने members हैं उनके अंदर team spirit बना रहता है. They are very much motivated and doing best. The employees behave as a group and work together to increase output. Then next is Scanlon plan. This plan was devised by Joseph Scanlon. Joseph Scanlon ने इस plan को बनाया 1937 में. Trade union leader थे Joseph Scanlon. Under this plan workers are involved in decision making. यहाँ पर mainly workers involved in decision making में. Policeman में वो productivity में involved थे. They are engaged to make suggestions regarding cost reduction and increasing productivity. यहाँ पे वर्कर्स को स्कैनलॉन प्लान में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाता है और उसको एनकरेज किया जाता है कि वो सजेशन दें रिगार्डिंग कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट को कम हो सके और प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज हो सके. दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस स्क्रीनिंग कमिटीज इन द प्लान टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स टू जज. और बहुत सारी कमिटीज हैं जिनमें वो इन्वॉल्व होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बेसिकली काम क्या करेंगे ये कि कॉस्ट कैसे मिनिमाइज की जा सके और प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जा सके. तो स्कैनलॉन प्लान में मोस्टली वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग. इन दिस वे एम्प्लॉयज वर्क विद देयर सुपरवाइजर्स मैनेजर्स एंड अदर फेलो मेंबर्स ऑफ वेरियस ट्रेनिंग कमिटीज. इसी तरीके से वो वर्कर्स अपने से ऊंची पोस्ट पे जितने भी हैं हाई पोस्ट पे जैसे उनके सुपरवाइजर्स हैं मैनेजर्स हैं फेलो एम्प्लॉयज सबके साथ मिलकर वेरियस कमिटीज में वर्क करते हैं. इफ द सजेशंस आर सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड एम्प्लॉय गेट इन द शेयर इन द सेविंग्स. और अगर वो सजेशन जो एम्प्लॉयज दे रहे हैं वो वॉक कर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट मिलता है तो उसके रिगार्डिंग फिर उन्हें एडिशनल रिवॉर्ड्स भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पे किए जाते हैं. तो यहाँ पे पीरियोडिकली मीटिंग्स होती हैं स्कैनलॉन प्लान में रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स और उनके डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्या हो सकते हैं. दिस प्लान सफर्स फ्रॉम सर्टेन ड्रॉबैक्स. कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं स्कैनलॉन प्लान में such as inefficient workers get rewarded because of better performance of group. Group की better performance की वजह से जो inefficient workers है उस group में जो ज्यादा किसी तरीके से help नहीं कर रहे उन्हें भी reward मिल जाता है उन्हें भी appreciation मिल जाता है. This is the drop. Then third step point is third method is profit sharing.
Under the scheme of profit sharing, a certain percentage of profit is distributed at fixed ratio. Profit sharing scheme में certain percentage होता है profit का जो distribute किया जाता है fixed ratio में among the categories of employees. Annually किया जाता है categories में fixed ratio में profit को distribute किया जाता है. According to Henry R. Siegel, profit sharing is an agreement freely entered into by which the employee receives a share fixed in advance of the profits. एक agreement है, यहाँ पे employee को एक fixed share है जिसके through उसको fixed advance या profits receive होते हैं. The decision of sharing of profit to employees informed in advance. ये पहले advance में employees को बता दिया जाता है कि profit sharing होगी, कितना percent होगा, ये सारी चीजें. Basis of profit sharing is deciding on the length of service or the number of working days. Basis क्या है profit sharing का कि एक employee को कितना length of service हो गया या उसका number of working days in a year. उसी basis पे profit sharing की जाती है. It is a direct incentive to a worker. ये direct incentive है जो worker को pay किया जाता है. The payment of profit can be made in cash or can be deposited in the account of provident fund of an employee. तो profit sharing वाला जो payment है वो employee को cash में भी मिल सकता है या उनके जो organization के जो provident fund account खुला है वहां पर भी transfer किया जा सकता है. The advantage of this scheme is that workers develop common concern of the development and progress of the organization. Then profit sharing की कुछ types हैं. There it has two types. Current profit sharing and current profit sharing is it is the one directly paid to employee annually or 6 months. Directly employee को annually दिया जाएगा profit sharing ratio का जो भी percentage देना है 6 months में. That is current profit sharing. Deferred profit sharing it is the one which is not paid directly to employee. ये वो है जो directly employee को नहीं दिया जाता but credited to his provident fund or pension account. जो employee को directly नहीं दिया जाएगा उसको employee के provident fund या pension account में transfer कर दिया जाएगा वो तो होगा deferred profit sharing. और जो employee को directly दे दिया जाएगा वो होगा current profit sharing. तो ये two types of profit sharing है, current profit sharing and deferred profit sharing. Then merits क्या है इसके? These are some merits. Creation of industrial peace because workers are satisfied as they are getting additional amount मिल रही है. Workers को workers satisfying है और organization में peace है, conflicts कम हो रहे हैं. Bonus is paid only when the amount of profit exceeds the set targets. It means bonus is not a part of cost of production. Cost of production का part नहीं है bonus. वो हमेशा तभी मिलेगा जब एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एक्सीड हो जाएगा जो एक कंपनी का टारगेट सेट है उससे ज्यादा होगा उसका तो उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम बेस्ड ऑन द बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉइज. सो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस. नेक्स्ट इज वर्कर्स हैव शेयरिंग प्रॉफिट एंड नॉट लॉसेस. लॉसेस में वर्कर्स का कोई शेयर नहीं है, प्रॉफिट में शेयर होता है. इट रिप्रेजेंट्स रिवॉर्ड फॉर ग्रुप एफर्ट. ग्रुप एफर्ट ग्रुप की मेहनत का रिवॉर्ड को भी रिप्रेजेंट करता है. It brings about team spirit among employees. Then profit sharing results in equitable distribution of the profit to each employee or each group member. Then what are its demerits or disadvantages? Employees entitled to bonus when company earns profit. Profit अगर company को होगा set target से ज्यादा तब ये employees को ये scheme का फायदा या bonus मिलेगा. ये इसका disadvantage है. It is not possible for newly established company to pay bonus. अगर कोई नई कंपनी है establish अभी हुई है तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है वो बोनस पे करे. दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एफिशियंट एंड इनएफिशियंट वर्कर. पूरे ग्रुप को ही अप्रिशिएट किया जाता है, पूरे ग्रुप को रिवॉर्ड मिलता है. वहां पे एफिशियंट और इनएफिशियंट वर्कर को देखा ही नहीं जाता, उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन होता ही नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे एफिशियंट और इनएफिशियंट वर्कर को नहीं बताया जा रहा, नहीं डिस्टिंक्शन किया जा रहा होगा. बोनस इज पेड टू एम्प्लॉय वंस इन अ ईयर. दिस डज नॉट मोटिवेट देम फॉर बेटर परफॉर्मेंस. और बोनस सिर्फ साल में एक बार मिलेगा जिसकी वजह से हमेशा जरूरी नहीं है वर्कर मोटिवेट रहे या बेटर परफॉर्मेंस दे. देन दीज ऑल आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप इंसेंटिव प्लान. सो दिस इज ऑल इन आवर इंसेंटिव प्लान. हमने यहाँ पर दो तरीके के इंसेंटिव प्लान्स पढ़े, दैट इज ग्रुप इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान एंड ग्रुप
इंसेंटिव प्लान। तो ये हमारा पूरा सॉफ्ट टॉपिक है इंसेंटिव के ऊपर, जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता भी है इसके ऊपर हर बार। तो इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान क्या, इसके ऊपर भी सिंगल क्वेश्चन आ सकता है या पूरा क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज इंसेंटिव प्लान, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो आपको इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान और ग्रुप इंसेंटिव प्लान एक्सप्लेन करना होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।